माय लॉर्ड तथा माननीय जूरीना सदस्यों, मारे जाजू कशु केवू नथी। जे स्त्रीनी मैं कबर खोदी नाखी थी एनी साथे हूँ प्रेम में हतो, भरचक प्रेम। अने मारो प्रेम हाथचाम चूतनारो स्थूल प्रेम नतो, ए कंईक अलग प्रेम हतो। आत्मा आत्मा ने चाहे वो दैवी प्रेम। हूँ एना पर मारो जीव ओढ़घोड करवा तैयार हतो, एवो हतो अमारो विरल प्रेम। ये मारी प्रेयसी बनी, प्रेयसी थी कशुक विशेष, ये मारू अस्तित्व मारू बधुज बनी गई। अने जिंदगी पास थी आती विशेष मारे कोई आशा कोई अपेक्षा कोई इच्छा नहती। एक रात्रे अमे नदीना किनारे टहलता हता, अने अचानक धोधमार वरसाद तूटी पड़ियो, अने एने शर्दी पेसी गई, अने बीजे दिवसे अचानक शर्दी वधी गई, अने मात्र एक ज अठवाडिया में तो ये मृत्यु पामी। मृत्यु वक्ते ये जे रीते पीड़ाती थी ए थी हूँ गांडा जेवो थई गयो। अने एनु मृत्यु थयुं त्यारे नितांत नैराश्यना लीधे हूँ बधा माणसों थी बधी दुनिया थी अलग थई गयो। अने छेवटे ज्यारे एने कब्रस्तान में चीर निद्रा में पोठाड़ी देवामां लई जवामां आवी अने एने कबर में सोड़ावामां आवी त्यारे एना मृत्युनो साक्षात अनुभव मने थयो। पण हवे हूँ फरी पाछो एने क्यारे जोई शकीश नहीं, ए विचार मारा माथा में चढ़ी बैठो हतो। हूँ ज्यां सुधी जोई शकूँ त्यां सुधी एने जोई लेवानी, एने जोया ज करवानी, मने खेवना हती। एटले आ आशय साथे एक सांजे हूँ कब्रस्तान पहोंच्यो। हूँ मजबूर हतो, हूँ मनथी मजबूर हतो। हूँ मारी साथे एक फावड़ो एक फानस अने एक हथोड़ी लई गयो हतो। अने कब्रस्तानी दीवाल में बाखरू पाणी हूँ अंदर प्रवेशो। मैं मारी प्रेयसीनी कबर तरत ज शोधी काढ़ी अने कबर परनू चणतर हजू पाकू पण नहोतुं। मैं कबर परनू चणतर खोदी नाख्युं अने अंदरनी शब पेटीने बहार काढ़ी अने पेटी खोली। शरीर सड़वानी भयानक दुर्गंध मारा नाक में ने मारा माथा में चकर चकर फरवा मंडी। एने कब्रिस्तान लई जता पहेला एना शरीर पर अत्तर छाटवामां आवेलुं, पण ए अत्तरनी सुगंध शरीर सड़वानी भयानक दुर्गंध सामे टकी शकी नहोती। पछी मैं कफन थोड़ू आघू करी फानस ऊंचू करी जोयुं। उफ, एनो चेहरो भूरो पड़ी गयो हतो, सोजो मुँह पर देखातो हतो, ए विकृत लागती हती। एना मोंमांथी काळुं कशुं बहार वहेतुं हतुं। એ હતી તો એ જ મારી પ્રેયસી જ, તે છતાં એને જોઈને હું ધ્રુજી ગયો। તે છતાં આ બધાની ઉપર વટ જઈ હું વાલથી મારો હાથ એના માથા તરફ લઈ ગયો, જેથી હું એનો ચહેરો મારા ચહેરા પાસે લાવી શકું। અને એ જ ટાંકણે મારી ધરપકડ થઈ અને મારી પ્રેયસીની સમગ્ર સુગંધ મારી સાથે જ રહી। અને એ સુગંધ એને પ્રિય એવા પુષ્પોની નહોતી, એ કબરમાં દટાયેલી ભયાનક લાશની દુર્ગંધ હતી। બસ મારે આથી વિશેષ કશું નથી કે